वजन के बारे में बात करना हम सबको हमेशा ही बहुत पसंद होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि आप अपना वजन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, पिंच पॉइंट हो सकता है। तो आज हम इसी बारे में बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गोंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, और मेरे पास ऑलमोस्ट 70% पेशेंट्स जो आजकल आ रहे हैं वो आकर यही कहते हैं कि हम अपना वज़न कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस पर एक वीडियो करें जिसमें हम उन सुपर फूड्स को डिस्कस करें जिसको खा कर हम अपना वज़न बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला सुपर फूड जो मेरे पास है वो है बनाना। केले की जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारा वज़न बढ़ाता है और हमारे लिए एक वेट गेन का बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। वेट गेन का तो अच्छा सोर्स है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने में, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा करामद होता है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें इसमें मौजूद मैग्नीशियम, पोटाशियम आपकी हेल्थ को बहुत इवेल्यूएट करता है और आपको एक वेट गेन की जो एक ताकत आपको चाहिए होती है वो दे रहा होता है। नंबर टू, आपने बनाना को सादा खाना है, दूध में डाल के शेक बनाकर पीना है, दोनों ही तरह से ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आप ये देखिए कि जब हम डालते हैं बनाना अपने मिल्क शेक में, तो उसको हम फैटनिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी वज़न बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 3 केले ले लीजिए, 1 ग्लास दूध, फुल फैट मिल्क होना चाहिए, उसके अंदर सारे नट्स, तकरीबन बादाम 4 से 5 ले लीजिए, 2-3 अखरोट ले लीजिए, 2 पिस्ते, 2 काजू लेके उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, 3 खजूरें उसमें डालें, 1 चम्मच शहद का डालें, डेली बेसिस पर पिएं। आप देखेंगे कि 1 महीने में आप अच्छा खासा अपना जो वेट है उसको गेन कर लेंगे। नंबर 2 ऑप्शन जो केला खाने की हो सकती है वो ये है कि आप 3 से 4 बनानास जो हैं वो खाएं जैसे ही आप फिज़िकली एक्टिव होने जा रहे हैं, यानी आप जिम जा रहे हैं, आप योगा करने लगे हैं, आप मेडिटेट करने लगे हैं, आप 3 से 4 बनानास खा लीजिए, आपका बहुत अच्छा वेट गेन जो है वो करने में हेल्प आउट करेंगे। हमारे पास और भी बहुत सारे फूड्स जो आते हैं, उनमें से जो एक मोस्ट फेवरेट लोगों का होता है वो होता है दूध। बिल्कुल, दूध हमारा वेट गेन कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। आपने वेट जब भी बढ़ाना है तो दूध को आपने इस्तेमाल करना है। आप 1 ग्लास दूध ले लें जो कि फुल फैट हो, आप उसको रात को सोने से पहले अगर कंज्यूम करते हैं तो आप ये देखेंगे कि वो आपके वज़न के बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नींद बहुत अच्छी आएगी, आपको एक स्लीप, डीप स्लीप जो है, एक रिलैक्सिंग जो आपकी बॉडी है वो फील होगी और आपकी लाइफ जो है वो सुकून से रात सारी गुजरेगी। नंबर 3 ऑप्शन आ जाती है राइस। जब हम बात करते हैं चावलों की, तो चावल एक अच्छा पोर्शन हो सकते हैं आपका वेट गेन कराने में। अब हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, वो मैंने देखा है कि वाइट पॉलिश्ड राइस, जितने चमकदार हों हमें वो अच्छे लग रहे होते हैं। हालांकि अगर हम ये बात करें कि अगर आप अनपॉलिश्ड राइस, यानी जो आपके ब्राउन राइस या जिनके ऊपर से अभी बहुत ज़्यादा ग्रेन्स नहीं उतारे गए, जिनको पॉलिश नहीं किया गया, वो सबसे अच्छे और हेल्दी ऑप्शंस होते हैं। आप अगर उसकी 2 सर्विंग दिन में लेते हैं, दोपहर और रात में, तो एक बड़ा अच्छा हेल्दी ऑप्शन हो सकता है वेट बढ़ाने के लिए। अगला पार्ट जो मेरे पास है वो है चने। बिल्कुल, आपने आज तक चने, दालें, सब्जियां और इस तरह की चीज़ें सुनी होंगी वेट लॉस में। आज चनों का मैं बताने जा रही हूँ कि आप उससे वेट गेन कैसे कर सकते हैं। आप 1 कप भुने हुए चने ले लीजिए, उसके अंदर अपने जो है जितने सैलड की चीज़ें हैं वो ऐड ऑन कर लें, ये भी आपका वेट गेन कराती है। अगर आपने मुझे अक्सर सुना होगा तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो अक्सर कहती हूँ कि चने आप चाट बना लें, आलू चने बना लें, वो आपका वज़न कम करा रहे होते हैं। तो आज मैं कह रही हूँ कि वो वज़न बढ़ाएंगे, मैंने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है, 1 कप चने कर दिए हैं। पहले जब मैं आपको बताती हूँ, मैं बताती हूँ 1/4 कप चने ले लीजिए वज़न कम करने के लिए। तो आप 1 कप चनों में उसको मिक्स करें और एक बड़ा बॉल सैलड का जो है वो बना कर खाएं, ताकि आपकी बॉडी में फाइबर जो है उसका कॉन्टेंट अच्छा मेनटेन हो सके। जब भी वज़न बढ़ाने की बात होती है तो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं पराठे बहुत ज़्यादा खाने शुरू कर दीजिए, निहारियाँ खाएं, पाए खाएं, हलवे खाएं, पंजीरियाँ खाएं। देखिए, 1 सेकंड मेरी बात सुने, पराठे पंजीरियाँ खाने से वज़न बढ़ जाएगा, लेकिन वो आपका सिर्फ फैट बढ़ेगा जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, और उसके साथ साथ ऑयल्स जो हैं वो आपकी बॉडी पे एक्ने कॉज करना शुरू कर देंगे, और आपकी बॉडी का सिर्फ फैट बढ़ेगा, मसल गेन नहीं होगा। और अगर जैसे ही आप
पराठे खाने छोड़ेंगे आपका वज़न वापस ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो मसल गेन आपने नहीं किया था। जब भी आप मसल गेन करके वज़न बढ़ाओगे तो वज़न आहिस्ता कम होगा, और जैसे ही आप वेट लॉस करना चाह रहे होगे तब भी अगर आप मसल गेन करके करोगे तो अच्छा वेट लॉस होगा। अब अगर हम बात कर ही रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वज़न बढ़ाने में है वो आपकी है फिज़िकल एक्टिविटी। अगर आप फिज़िकली एक्टिव हो, वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, खाना साथ हेल्दी खाते हो, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है और आप बहुत आसानी से जो वज़न है वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में मैंने ये इशू देखा है कि वो वज़न तो बढ़ा लेते हैं लेकिन वो दोबारा से कम होना शुरू हो जाता है। अब इसकी एक मेन रीज़न जो मैंने अभी डिस्कस की वो यही है कि आप फैट कॉन्टेंट अपना बढ़ाते हो बॉडी में, ना कि मसल वेट। और इसके साथ साथ अगर आप खाने को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हो तो आपका वज़न कभी भी दोबारा कम नहीं होगा। आई नो आप लोगों के जो मसाइल हैं वज़न बढ़ाने के वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वेट लॉस के साथ साथ वेट गेन की वीडियोस भी डिस्कस की जाएं और आप लोग जो हैं वो अपना आसानी से वज़न बढ़ा सकें और जितना आपको वेट चाहिए है आप उतना उसको गेन कर सकें। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन करें। वेट गेन की मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।